बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां न्याय यात्रा के दौरान फाइनल होगी कांग्रेस की लिस्ट, तो यात्रा के तुरंत बाद उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो 26 सीटों पर कांग्रेस ने नामों के पैनल भी तैयार कर लिए, 10 से ज्यादा विधायकों को मैदान में पार्टी उतार सकती है, ये जानकारी मिल रही है। तो बताते चले कि मार्च के पहले सप्ताह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। 26 सीटों पर कांग्रेस ने नामों के पैनल तैयार कर लिए, 10 से ज्यादा विधायकों को मैदान में पार्टी उतार सकती है। भोपाल और इंदौर में अभी उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं, यहां पर पेच फंसा हुआ है कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए खजुराहो सीट छोड़ी जा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। छिंदवाड़ा से अगर बात की जाए तो पैनल में सिर्फ नकुलनाथ का सिंगल नाम है, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बात का संकेत पहले भी दे चुके हैं कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो किन सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम तय किया गया है। रीवा से अगर बात की जाए तो अजय मिश्रा बाबा का सिंगल नाम तय कर दिया गया है। सीधी से कमलेश्वर पटेल, तो बैतूल से रामू टेकाम और धार से सुरेंद्र सिंह बघेल का सिंगल नाम तय किया गया है। यानी यहां पर कोई पेच फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यहां पर ये तय है कि ये उम्मीदवार इस सीट से हो सकते हैं। लेकिन देखिए, कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, कई सीटों पर दो नाम तय किए गए हैं, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कौन से वो नाम होंगे। लेकिन सिंगल नाम देखिए, रामू टेकाम बैतूल से इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है।